हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, देखो एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लो आप, ठीक है। देखो इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है, लेकिन टीचर्स की नज़रों में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से वेटेज में रखे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या आता है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/(x-√x)dx। देखो कैसे करें इसको, क्या टी माने, ठीक है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को। तो एक काम करता हूँ, डी एक्स इसको मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा स्क्वायर रूट एक्स मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, है ना। दोनों की शक्लें एक जैसी बना ली, यहाँ एक्स था स्क्वायर रूट एक्स था, यहाँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स मार लिया, कितना बचा स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। अब एक बात बताओ, अगर मैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन को टी मान लूँ तो देखो क्या होता है। मैंने बताया था ना, जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है हम कहीं ना कहीं वहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन को टी मानो, अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा स्क्वायर रूट एक्स का जब आप डी बाई डी एक्स लोगे तो इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, है ना। फार्मूला था ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। तो जब 1/2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस के 1/2 बचेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, इसको राइट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। देखो डरना नहीं है, बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ मैं आपको। तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और जिसको एक्स माना था उसका भी टी के टर्म्स में होगा, होगा या नहीं होगा। तो कितना लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, और माइनस वन टी का रेस्पेक्ट में जीरो, और टी का कितना हो जाएगा वन। तो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, देखो इसमें से ये निकाल लो आप, ये निकाल लो, क्योंकि डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स निकाल लिया, कितना आ गया 2dt। इसको उधर ले जाओ, ये करके दिखाना है आपको, ठीक है। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अपनी क्लास में, ये जहाँ पे आप सॉल्यूशन करोगे वे जरूर करके दिखाना आप। तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, इस स्टेप के बाद करते हैं। डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2dt। 2 को ले लो बेटा बाहर कॉन्स्टेंट को, नीचे स्क्वायर रूट एक्स भी चला गया, डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू dt आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी है t है, ठीक है। इसको क्या लेंगे, ये आ गया अब आपके पास, ठीक है। तो 2dt अपॉन t, ठीक है, इसको क्या लेंगे ft प्लस c। मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसमें, डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ft को क्या लोगे आप, एक ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन करने में क्या मिले आपको, डिफरेंशिएशन करने पे आपको, अरे भाई डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिले 1/t मिले। तो log t का हो गया आप, तो log t का जब डिफरेंशिएशन करोगे 1/t मिलेगा d/dt ऑफ ft, ठीक है। और ये 1/t ये उधर जाएगा, dt इधर रहेगा, ft रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/t dt, और 2 भी चाहिए आपको, ठीक है, और 2 भी चाहिए, ये 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 यहाँ भी लगाऊंगा और ये 2 यहाँ भी लगाऊंगा, तो देखो इसकी वैल्यू मिल गई मेरे को, कितनी मिल गई 2ft। तो 2ft, ft कौन है log t है या नहीं है, प्लस कैपिटल C। तो 2 log t की वैल्यू कितनी है बेटा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन प्लस कैपिटल C, दिस इज योर आंसर। तो 2 log स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन प्लस कैपिटल C, दिस इज योर आंसर, ओके। प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े से अब क्वेश्चंस अच्छे आने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छे का मतलब आपको थोड़ा सा इसमें थिंक करना पड़ेगा, x प्लस 4 स्क्वायर रूट और dx, ठीक है। एक काम करते हैं, x प्लस 4 को t मानते हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, रूट में मानो,
मैंने अभी बताया था 1/2 वो नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में जब ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैं बोल रहा था कि हम रूट को नहीं मानेंगे, अंदर वाली क्वांटिटी को मानेंगे, वो उस तरह के क्वेश्चंस थे। अब जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें माइंडसेट वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसको मैं रूट को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1/2 बार एक्स प्लस 4, इसको एक्स रीड कर रहे हैं अपने मन में, ठीक। और 1/2 माइनस 1, डेट इज माइनस के 1/2, और इस x का कितना होगा dx बाई dt, और dt उधर चला गया क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस 4 और पावर 1/2 ऐसे चली जाएगी dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। ये आ गया, आया समझ। अब देखो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देखो x dx, देखो अच्छा अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड्स, क्योंकि रूट है तो इस रूट तो हट जाएगा स्क्वायरिंग पे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, टी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हम जो वैल्यूज अपने रख सकते हैं x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो x की जगह पे रखा मैंने टी स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है जी। आ जाओ dx अपॉन x प्लस फोर रूट में, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 उधर ले जाऊँ 2dt, कितनी आ गई 2dt। समझ में आया नहीं समझ में आया, देखो मैंने x प्लस 4 रूट को t माना, क्यों माना, क्योंकि देखो ये नीचे आ रहा है, तो 1/2 x प्लस 4, 1/2 माइनस 1 हुआ तो माइनस के 1/2, और ये माइनस के 1/2 रूट जब नीचे आएगा, ठीक है, और x का करेंगे dx बाई dt, ठीक है, तो उधर 1 हो जाएगा, dt उधर चला गया। x की वैल्यू चाहिए थी, स्क्वायरिंग करा बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू हो गई t, ठीक है, स्क्वायर में, और x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4, तो ये रहा x की वैल्यू t, ये तो x की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 4। अब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे dx अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4, तो dx अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 की 2 उधर ले गया मैं dt, ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, काम करते हैं, 2 तो कांस्टेंट है बाहर ले आओ और अलग अलग कर देते हैं, टी स्क्वायर dt माइनस, ठीक है, 2 देखो मैं पूरे के साथ बाहर ला रहा हूँ, ठीक, तो ब्रैकेट लगा लो आप, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी बिल्कुल भी, 2 इस होल के साथ है, ठीक है, dt माइनस क्या बचा 4dt, ठीक है। अब करते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाते हैं, तो पहला हमारा मेथड है स्क्वायर है, डेरिवेटिव एक पावर बढ़ाएंगे और वही पावर डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है, फिर c1 आएगा, फिर माइनस वहाँ पे c2 आएगा, तो c1 c2 को c लिख सकते हैं हम, माइनस 4 यहाँ पे 1 है तो t आ जाएगा, प्लस कैपिटल c, और ये इस तरीके से ब्रैकेट था, तो यहाँ हो गया देखो 2/3 t की वैल्यू पुट कर दो, चलो अभी करते हैं, t³ माइनस 4 टू जा 8t प्लस कैपिटल c, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 t की वैल्यू पुट करो, t कितना है x प्लस 4 की पावर 1/2, ठीक, t की वैल्यू कितनी है x प्लस 4 की पावर 1/2, ये पुट कर दी हमने t की जगह, और होल पावर कितनी है 3, और होल पावर है यहाँ पे कितनी 3, समझ में आया, तो ये 3/2 लिख देता हूँ ना मैं इसको, 3/2 लिख देता हूँ मैं इसको 3/2, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से, ये तो ख़त्म हुआ, माइनस 8 टी फिर से पुट करो, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस कैपिटल c, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। NCERT में क्वेश्चन नंबर 11, 2/3 x प्लस 4 स्क्वायर रूट, अच्छा इन्होंने ना आगे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, NCERT से मैच करना है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, डू नॉट वरी, प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन, मैं ऊपर से रब करूँगा इसको, देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं
तो ये आ जाएगा 2/3। अब इसको देखो, ये 3/2 है, 3/2 का मतलब कितना हुआ, 1 × 1/2। तो 1 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 4, और हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। कोई दिक्कत, ये बेस और ये बेस सेम है, पावर 3/2 हो जाएगी ना। -8 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 1/2 प्लस कैपिटल C। मैं आपको यहाँ पे इसलिए कह रहा था छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में याद थोड़ी ना करके जाओगे ये आंसर है। तो NCERT ने एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, उन्होंने कॉमन लेके आगे सॉल्व किया हुआ है, तो हम आंसर मिलाने के लिए कर रहे हैं इसको। अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, और x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन आ सकती है, ये और ये यहाँ पर भी है। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 4 अपॉन 3 माइनस, ये तो बाहर गया x प्लस 4 1/2, और यहाँ पे बचा 4 प्लस कैपिटल C, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2x प्लस 4 की पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 × 3 = 12 अपॉन 3 प्लस कैपिटल C, प्लस कैपिटल C। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 4, रूट में लिख दो, 3 इधर आ गया, और यहाँ क्या बचा, x माइनस 8 प्लस C। यही तो आंसर दे रहा है पीछे वो, यही तो दे रहा है, कहाँ गया, 2/3 x प्लस 4 स्क्वायर रूट x माइनस 8 प्लस कैपिटल C। ये 2-3 स्टेप कॉमन लिए इसने किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हुआ, 12 करें, चलो करते हैं, अभी है टाइम, ठीक है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है, और अच्छे से भी आपको समझ में आए, ठीक है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आप देख लेते हो, आई थिंक आप भूल जाते हो शायद बाद में, तो भूलना मत, ठीक है। इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड टू मेक दिस वंडरफुल वीडियोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन ये, अच्छा इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे, x क्यूब माइनस 1 1/3 और x की पावर 5 dx कैसे करें। देखो एक काम करो, यहाँ 3 आ रहा है, इसको ना आप ऐसे लिख लो, x क्यूब माइनस 1 1/3 x की पावर 3 × x² dx। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आप एकदम से कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। सर एक तो मैं इसलिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, काफ़ी समय हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 10 ईयर्स हो गए, और क्वेश्चंस जब मैं कराता हूँ तो ये एक ना एक हैबिट बन जाती है, लिखते लिखते ही ऑब्जर्वेशन आ जाती है। तो जैसे जैसे आप भी इसको करोगे ना रिवाइज बार 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 बार, तो आप भी एकदम ऑब्जर्व कर लोगे, ठीक है। चलो अब क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मान लूँ तो एक्स क्यूब का तो 3x² हो जाएगा, यहाँ से x² dx की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स क्यूब माइनस 1 को टी की पावर 1/3 रख सकता हूँ, 1/3 में मैं ऐड कर सकता हूँ 1, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मानते हैं, ठीक है, क्यूब ने भी मान 1/3 में नहीं मान रहा मैं, क्यूब रूट में, अगर वो नीचे होता ना ये इस तरीके से होता तो मैं थोड़ा सा इसको सोचता क्यूब रूट में यहाँ होता, क्योंकि वो फिर वो माइनस में आ जाता पावर, आप समझ गए ना। इसको मैं सिंपल ऐसे ही रख रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फॉलो करना पड़ेगा क्या आप प्रिडिक्शन लगाएं। हम d/dx लेते हैं दोनों तरफ, d/dt, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में, तो 3x² x का होगा dx/dt, 1 का 0 इक्वल्स टू t का कितना हो जाएगा 1, तो 3x² dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ प्रोसीड करते हैं इधर की तरफ, एक्स क्यूब माइनस, देखो डायरेक्ट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन को क्या माना टी, तो टी की पावर हो गई जी 1/3, ठीक। एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल सकती है, देखो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकल सकती है टी प्लस 1, कितनी निकल सकती है टी प्लस 1, तो इस एक्स क्यूब की जगह रख दिया टी प्लस 1, टी में आ रहा है, ठीक है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी और अपॉन टी सब्स्टिट्यूट हो गया, जैसे ही सब्स्टिट्यूट हुआ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा दो, पार्ट्स में कर दो 1/3,
ठीक है, देखो टी की पावर 1/3 इसकी मल्टीप्लाई होगी टी में, तो 1/3 + 1 दैट इज 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन में टी की पावर मल्टीप्लाई में 4/3 dt, ठीक। और ये 1/3 होल के साथ है तो मैं इसको भी बाहर ही रख रहा हूँ, अभी इंटीग्रेशन पे ध्यान है मेरा, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। और टी की पावर इस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा टी की पावर 1/3 dt, ठीक है। अब देखो 1/3, ठीक, इसको करते हैं 4/3 में 1 प्लस करोगे आप, 4/3 में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 7/3, तो यह आ जाएगा टी की पावर 7/3 और ये रिवर्स हो के आएगा 3/7 कोफिशेंट बनेगा इसका, जो भी पावर होगी इसका कोफिशेंट बनेगा, रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड में जाता है ना वो, ठीक। प्लस 1/3 में फिर आप 1 ऐड करोगे तो 1/3 + 1 दैट इज 4/3, 4/3 और ये 3/4 आ जाएगा। C1 यहाँ से निकलेगा, C2 यहाँ से निकलेगा, कैपिटल C में लगा सकता हूँ। अब देखो 1/3 ये अब मल्टीप्लाई करो 1/3 की, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/7, टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू कितनी है ये रही x³ - 1, ठीक 7/3, ठीक। प्लस 1/3 की इसमें ही मल्टीप्लाई होगी तो 3 ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा 1/4 बचेगा नहीं बचेगा, और टी कितना है टी x³ - 1 और पावर कितनी है 4/3 प्लस कैपिटल सी अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C1 C2 को ऐड करके मैंने लिख दिया। अच्छा आंसर देखते हैं इसका, 12th 1/7 x³ - 1 7/3 + 1/4 x³ - 1 power 4/3 + capital C। Have a nice day, take care, good luck students।